नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी एक मसूर दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे एक कप लाल मसूर दाल। दाल को अच्छे से हम पहले 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेंगे। मैंने यहाँ पे एक कप दाल लिया है। दाल आप अपने जरूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दाल को हम धो लेंगे। दाल को अच्छे से धो लेने के बाद हम डाल देंगे कुकर में, और पानी डालेंगे हम यहाँ पे एक कप दाल के लिए 2 कप। मैं यहाँ पे कुकर में दाल को बॉईल कर रही हूँ, आप चाहे तो कढ़ाई में भी कर सकते हो। तो पानी डालेंगे हम 2 कप। गैस का फ्लेम हम मीडियम करके 2 सीटी आने तक दाल को कुकर में पकाएंगे। नमक डालेंगे 1 चम्मच, साथ ही हम 2 हरी मिर्च को 2 टुकड़ा करके डाल देंगे। कुकर को हम बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम में सिर्फ 2 सीटी आने देंगे। कढ़ाई में मैंने डाल लिया है 2 चम्मच तेल। तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। डालेंगे हम 1/2 चम्मच कलौंजी, साथ ही हम डालेंगे 3 सूखी लाल मिर्च। डालेंगे हम 1/4 चम्मच हींग। कलौंजी जैसी हमारा फ्राई हो जाएगा, हम डाल देंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज के प्याज को पतली स्लाइस में काट के। गैस का फ्लेम हम मीडियम करके प्याज को फ्राई करेंगे हल्का कलर चेंज हो जाने तक। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 4-5 लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, आप चाहे तो यहाँ पे ग्रेट करके भी डाल सकते हो। लहसुन हम प्याज के बाद ही डालेंगे, नहीं तो लहसुन हमारा जल जाएगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और बीच बीच में चलाते हुए हम प्याज के कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी थोड़ा सा भी बनाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को शेयर कीजिएगा। 3 से 4 मिनट प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। इससे ज़्यादा प्याज का कलर चेंज नहीं करेंगे। डाल देंगे हम यहाँ पे 1 छोटे साइज के टमाटर को स्लाइस में काट के। साथ ही हम नमक डालेंगे 1 चम्मच। नमक हमने पहले भी डाला था, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। टमाटर को पूरी तरीके से मैश नहीं करेंगे, बस 2-3 मिनट के लिए टमाटर डाल के और फ्राई करेंगे, बस हल्का सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हल्का जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। साथ ही हम 2 से 3 पिंच डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सिर्फ कलर के लिए। बस अच्छे से मिक्स करके हम डाल देंगे यहाँ पे बॉईल किए हुए दाल। बस अब हम डाल देंगे बॉईल किए हुए दाल। दाल बहुत ही अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी। दाल की जो थिकनेस है आप अपने पसंद के अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये जो दाल है ना, थोड़ा सा पतला खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा पसंद हो तब आप यहाँ पे पानी मत डालिएगा। दाल को हम मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। डाल देंगे हम यहाँ पे हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और 2-3 मिनट के लिए दाल को अच्छे से और पकाएंगे। 2-3 मिनट बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और दाल को सर्व कर लेंगे एक बाउल में। और देखने में जितना आपको टेस्टी लग रहा है, गर्मा गर्म चावल के साथ खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार आप सिर्फ मेरे कहने पे आज की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, और खाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।